पहले इनको हरे कृष्णा कर दे। हरे कृष्णा। अच्छा एक बात पूछिए भागवत इनसे, ये भक्ति करते हैं? हाँ भक्ति करते हैं। भक्ति करता हूँ, अगर भक्ति की कुछ अलग परिभाषा है तो पता नहीं। किसकी भक्ति करे? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, उनको भोग लगा के बिना प्याज लहसुन का तुलसी डाल के ही प्रसाद पाओ। अच्छा भागवत, लोगों को नॉनवेज खाना चाहिए ये बता दो। नहीं, मांस नहीं खाना चाहिए। जो मांस खाता है और मांस को दूसरी जगह से एक जगह दूसरी जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, घोर पाप लगता है। आप यहाँ बैठे हैं, आइए। अच्छा वो भी बता दीजिए, इनको इनको बहुत लाइफ में ना टेंशन है, इनके बहुत ड्रामा है, तो इनको क्या कहना चाहेंगे? नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, अभी क्या है कि हम लोग तो अभी बूढ़े हो गए, आप अभी यंग हो, तो क्या आप बहुत खुश हो? आपको देख के हमें बहुत खुश लग रहा है, लेकिन ये सब अंकल आंटी लोग ना, ये लोग खुश नहीं रहते। तो लाइफ में खुश कैसे रहें, हैप्पी कैसे रहें कि हमेशा स्माइल करते रहें? नाम जप करो। लोग कहते हैं कहीं शांति मिले तो ले आना, और कहीं सुख मिले तो ले आना, और कहीं नींद मिले तो ले आना। यस, भगवत गीता पढ़ो, उसमें सब कुछ है, नींद भी है, सुख भी है, शांति भी है। तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए।